तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ सत्तू के परौठे। मैंने वैसे बताया पर मेरी ना आवाज नहीं आई तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो पहले प्याज को बारीक चॉप कर लो और साथ में इसे मिलाओ चने का सत्तू 3-4 चम्मच। अगर आपको प्याज थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा है इसमें थोड़ा सा ज्यादा मिला दो, या अपने पसंद के हिसाब से नमक, मिर्च मसाला, चाट मसाला, अमचूर मसाला, कसूरी मेथी, धनिया, हरी मिर्च डालो और इसके साथ में तेल मिलाओ। तेल के तेल ना जैसे आटे के साथ प्याज चिपक जाता ना तो चिपकेगा नहीं, वो भूर भूरा सा हो जाएगा, खिला खिला सा हो जाएगा। फिर आप इसके बाद परौठे बनाओ। इसके परौठे इतने अच्छे होते हैं, एक तो सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, आप किसी में भी बच्चों को दे सकते हो, तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, आप एक बार जरूर ट्राई करना। झाड़ू बहुत अच्छा होता है, इससे ना डस्ट नहीं निकलती जो होती है, क्या बोल रही है उसको, इसमें बिल्कुल डस्ट नहीं होती। जगह इसमें डस्ट होती है जो कि सांस के लिए, जैसे अस्थमा, आपको खांसी, एलर्जी जिनको होती है, वो वैसे किसी के लिए सही नहीं होता, उसमें बहुत डस्ट होती है, बहुत ज्यादा। कहने को झाड़ू सफाई करने का है, पीछे कूड़ा छोड़ के चले जाता है। अरे ये कितने साल चलता रही ना हमारा पहला वाला, 7-8 साल चला था। अभी अब इसकी बारी है। ओए होए मौसम बहुत ही अच्छा हो गया एकदम से, एकदम कतली मौसम हो रहा है। ये देखो बारिश आएगी जोर से। छिपकलियाँ बहुत आती है इसलिए बहुत डर लगता है। कल पता है क्या हुआ, छिपकली 2 बार आ गई विजिट करके घर में चली गई। एक बार पहले आई, वो आप देखना ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में देखना, और ना छोटी सी छिपकली। अब मैंने सोचा, हमने सोचा कि भैया ये कहीं भी चली जाएगी ना तो ये किसी भी स्टोरेज के अंदर, मतलब ये कबर्ड के अंदर चले गई तो इसको निकालना मुश्किल होगा। आधा पौना घंटे तक उसको निकालने के मतलब कोशिश चलती रही। फिर रात को 10-11 बजे फिर से आ गई छिपकली छोटी सी, और हमारे घर में छिपकलियाँ जब आ जाती है जब तक हम उसे निकाल नहीं लेते तब तक हम चैन की सांस ले। तो देखिए हमारा नाश्ता तो हो गया है, कहाँ जाती, मैं कुछ काम भी कर रही थी, याद नहीं आ रहा मुझे ना, मैं भूल जाती हूँ कई बार, काम करती रहती हूँ। मैं किस लिए आई थी कमरे में, चलो याद आ जाएगा। तो नाश्ता हो गया हमारा और आज है अरनी की छुट्टी, नहीं मतलब छुट्टी नहीं है उसको ना क्या हुआ था, बैठ जाती हूँ, उससे हो रहा था गले में। वैसे तो कल भी छुट्टी कर सकती थी पर मैंने, उसने बोला मैं जाऊँगी, और पर आज उसकी छुट्टी करनी पड़ी, उसकी आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो रही, उसके नाक में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसे कोल्ड हो रहा है पर सूखा कोल्ड हो रहा है, कोल्ड ना सूखा नहीं होना चाहिए, बाहर आना चाहिए, कीला और ख़त्म हो जाए वो सही है, जो अंदर ही अंदर रहता है ना उससे बॉडी में भी हरास रहती है। तो हमने ना आज बनाए चने के सत्तू, और चने के सत्तू के परौठे बनाए हमने। पहले मैंने प्याज के परौठे बनाए थे, तो क्या हुआ कि 2 परौठे बना लिए तो फिर प्याज थोड़ा सा गीला हो जाता है ना, तो ज़्यादा प्याज को हल्का सा तेल में चला लो, फ्राई कर लो, और फिर नमक मिर्च मसाले मिला दो, वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है वो, है। अब मुझे बनाने हैं अरनी के लिए, अरनी उठ गई है तो मैं उसके लिए भी बना रही थी परौठे, उसके लिए मैंने बनाए नहीं थे ना, मैं सोचा मैं गरम गरम बनाऊँगी, तो जी चढ़ा देती हूँ मैं हवा, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मन कर रहा बाहर बैठूँ पर अभी बहुत सारे काम कर रहे हैं। और अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया बिल्कुल, अब तो बारिश बिल्कुल आने के उसमें फिराक में है। कैसे निकलते हैं ये सबसे उधर तो इसलिए पर तुमने बोला कि अभी निकलेंगे नहीं, इसे इधर उधर करोगे तो निकल ये। ओए कितनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है बाहर से, यही है, यही है चटाई,
कृष्ण भगवान के जो काली काली होते थे ना उनके बाल, जैसे बचपन में मैं सोचती थी, मेरी तो यही कल्पना थी। एक बार मैं बस से जा रही थी है ना, तो ऐसी काली कटाई छाई थी, यूनिवर्सिटी जा रही थी, तो मुझे ये लगा कि ये ना भगवान की जटाएँ हैं काली काली और बिखेर रखी हैं और हमें और बारिश आ रही है। मुझे बद्रीनाथ में देख के लगा था जब मैं फर्स्ट टाइम बद्रीनाथ गए थे। घिरे आई कारी बदरिया कारी, सावन आई बहारी, सावन आई बहारी, आई बहारी। अभी चाव चढ़ा दिया, अभी तो उबालेगा उबलेगा, ठीक है फिर बनाऊंगी मैं। हाँ मैं तब तक क्या करना है अब तक, प्याज काट देती हूँ, लहसुन काट देती हूँ। प्याज ना लंबे लंबे काटना, छोटे मत काटना, उसमें लंबे ही होते हैं। तो ठीक है। हाँ और शिमला मिर्च और गाजर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अच्छा लगेगा, स्वाद आएगा उससे। नीरू तो उसको ऐसे ना छील के रख दे, बस छील के रख दे, मैं काटूंगी। ये दरवाज़ा ना देखो बंद करना चाहिए इसको, मुझे पसंद थी ऐसे खुले हुए दरवाजे, इसको भी खोल के रखा हुआ। हाँ शिमला खोल दिया, ये खुला हुआ था, इसको सारे थोड़ी आएंगे इसमें। अच्छा दो निकाल दो, चावल निकाल। हाँ अरे वो दाल भी है, दाल भी है, उसे भी हम खाएंगे दाल को। मैं हाँ मेरे चावल में। हाँ सही है ना। थोड़ा काम सही रहता है, कोई बात नहीं, ठीक आ रही है, बस जुकाम आ रहा है। चलो रोटी। हरनी तुम्हें एक चीज दिखाऊं, मैं तुम्हें दिखा, चलो बाहर आओ फटाफट मेरे साथ, इसके नीचे आओ। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, पर्पल के फूल देखो, वो इस नेट की वजह से, देखो इसकी वजह से नज़र नहीं आ रहे ना, ये देखो कितने सारे खिल गए, अपराजिता बोलते हैं ना इसे, कितने सारे खिल गए, ये देखो ये देखो ये देखो, माय गॉड कितने सुंदर लग रहे हैं। सो दिन के बज गए 3 और हमारा लंच हो गया, और जो शेजवान राइस थे ना वो इतने टेस्टी हो रहे थे, क्या बताऊँ, मुझे शेजवान राइस बहुत पसंद है। और उसमें जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो नमक था वो थोड़ा सा तेज़ हो गया था, हालांकि मैंने इसे बोला भी था कि ये नमक तेज़ रख रही है, ज़्यादा रख दिया शायद, पर इसे समझ नहीं आया, इसे ये नहीं पता था कि जो शेजवान मसाला होता है ना उसमें भी नमक होता है। तो कोई नहीं, अच्छा होता तो हमने सारा खा लिया, बिल्कुल नहीं बचाया। और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद बाकी का काम करूँगी। यहाँ पर भगवती अपना एडिटिंग का काम कर रही है, पता नहीं क्या, कौन सी एडिटिंग कर रही है, ब्लॉग की एडिटिंग कर रही है, नहीं कहानी, अच्छा कहानी, ओके ओके करो करो। तो हम बना रहे हैं दाल, और ये दाल कौन सी है, गांव की दाल है, सोयाबीन बोलते हैं ना, ये पूनम की मम्मी ने दी थी, और इसे मिक्स करके बना रहे हैं, बहुत अच्छी। गाँव का जो सोयाबीन होता है वो अलग होता है ना, तो उसका टेस्ट भी अलग होता है, तो उसमें तड़का मारना उबाल के गए थे, और हम गए थे सब्जी लेने के लिए, तो सब्जियों के तो भाव आसमान छू रहे, आसमान इतनी महंगी हो गई है, टमाटर सबसे ज़्यादा महंगा टमाटर, जिसके बगैर घर किचन में कुछ काम नहीं हो सकता, पर वो भी बहुत महंगा है। उससे अच्छा तो मुझे लगता है जो रेडीमेड प्योरी होती है ना वो ज़्यादा सही है। हम तो थोड़ी सी टमाटर लेके आए हैं, इसमें टमाटर रखेंगी, अभी सोचना पड़ रहा है, टमाटर सड़ाने भी नहीं है। हाँ। और टमाटर यूज भी बड़े सोच समझ के करने हैं। और यहाँ पर पूनम अपना कुछ पेट पूजा कर रही है, पूनम समोसे में नमक ज़्यादा हो रहा है ना, मत खाओ मत खाओ, आलू फेंक दो। और चावल कैसे होते,
हम पीछे तक गए थे, फिर हम वहाँ से वापस आ गए। ये मटर छिल रहे हैं। मटर कैसे हो रहे हैं? सही है। तो देखो ये दाल है, ये है गांव के सोयाबीन, और इसमें दाल है अपनी, कौन सी दाल है, क्या बोलते हैं गांव की दाल है, गांव के नाम, दाल का नाम नहीं बताओ, हम पहाड़ी है। ये दूसरी है आंटी, बस प्लस मिला देना। अच्छा, तो चप सी बन जाएगी। अब इसमें लगेगी एक सीटी और एक सीटी लगेगी, एक सीटी और लगेगी, है ना। उसके बाद तैयार है दाल, और बनाए हमें थोड़ी सी चावल भी बना दिए हैं, और मौसम हवा रुक गई है, ऐसे ही हो रहा है।